ये रही गाइस वो बुलेट जिस पर ओम मनसा सवार होकर अपने गांव की ओर आ रहे थे, तभी जो एक पेड़ से टकराने पर उनका एक्सीडेंट हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अदर व्लॉग। मुझे पता है काफी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है, लगभग एक महीना हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे अभी जो है एग्जाम चल रहे तो व्लॉग्स नहीं आएंगे। अभी जो है एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज जो है व्लॉग फिर से मैंने चालू कर दिए हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम जा रहे हैं ओम बनासा के। तो जो है ओम बनासा के जाने का हमारा कब से प्लान बना हुआ था, लेकिन जो है हम जा नहीं पा रहे थे। आज जो है वो दिन आ गया है जब हम ओम बनासा के जा रहे हैं। तो जो है मैंने सोचा कि आज से जो है व्लॉग भी चालू कर देते हैं। तो जो है एक महीने बाद व्लॉग आ रहा है वो भी सीधा ओम मनसा का व्लॉग आ रहा है। तो जो है अभी तैयार हो चुके हैं, हम तीन बंदे जा रहे हैं। जो है फटाक से निकलते हैं क्योंकि काफी दूर है, तो जो जाने में टाइम भी लगेगा और आने में भी टाइम लगेगा। तो फटाक से निकलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज अभी जो है हम घर से तो निकल गए थे, होटल पर आए थे। पहले हम तीन बंदे ही जा रहे थे, अब जो है चार हो गए हैं, चार जाएंगे आराम से चारों। तो गाइज अब जो है निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइज अभी जो है हम नॉन स्टॉप आ चुके हैं पाली में, और अभी जो है यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर और दूर है। अभी हम यहाँ पर एक चाय के ब्रेक के लिए रुके हैं, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो गाइज अभी जो है चाय पी लिए और अब जो है सीधा नॉन स्टॉप चलते हैं ओम मनसा के, अब वहीं जाकर रुकेंगे। तो गाइज अभी आ चुके हैं चोटिला से, अभी जो है यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, फिर जो है ओम मनसा का दर्शन करते हैं। तो गाइस प्रसाद ले लिया है और अब चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है ये देखो आप। तो अब चलते हैं अंदर। आज से कई वर्षों पहले ओम बनासा हमारी तरह एक आम व्यक्ति हुआ करते थे, और ये कहा जाता है कि सन 1988 में ओम बनासा अपने ससुराल से अपने गांव चोटिला की ओर आ रहे थे, तभी एक पेड़ से टकराने पर उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मौत हो गई। ये वही बुलेट है जिस पर सवार होकर ओम बन्ना अपने गांव चोटिला की ओर आ रहे थे। अजीब बात यह थी कि जब ओम बन्नासा का एक्सीडेंट हुआ और इस बुलेट को नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, तो अगले दिन वह बुलेट बिना किसी सवारी के उसी स्थान पर आ गई जहां पर ओम बन्नासा का एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा लगभग 3-4 बार होने के बाद लोगों ने इसे ओम बन्नासा का चमत्कार समझा और फिर बुलेट को वहीं रख दिया गया और ओम बन्नासा के लिए एक मंदिर बनाया गया। और लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर ओम बनासा का एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर पहले भी कहीं एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन जब से वहाँ पर ओम बनासा का मंदिर बनाया गया तब से लेकर आज तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और तब से जो है वहाँ के लोगों ने इसे ओम बनासा का चमत्कार माना और ओम बनासा की पूजा की जाने लगी। तब से जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो गाइस ओम बनासा के जो है हमारे दर्शन हो चुके हैं, लेकिन व्लॉग जो है मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर जो है धूप काफ़ी तेज है और वहाँ पर जो है ज्योत भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो मोबाइल पर जो है हाई टेम्परेचर आ गया तो कैमरा जो चलना बंद हो गया था। लेकिन हमारे जो दर्शन जो है वो हो गए हैं एकदम अच्छे से, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन दर्शन हमारे अच्छे से हो गए। और यहाँ पर जो है गाने काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो जो है व्लॉग पर कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं व्लॉग ही काम ही शूट कर रहा हूँ। गाइज अभी चोटिला से निकल चुके हैं ओम बनासा के दर्शन करके, सीधा आशापुरा जाके ही रुकेंगे, नाडोल जाके आशापुरा माता जी के भी दर्शन करते जाएंगे भाई। तो गाइज अभी आ चुके हैं नाडोल और माता रानी के दर्शन करते हैं, प्रसाद वगैरह ले लिया है। ओके सो गाइस माता रानी का दर्शन कर लिए हैं और अब जो है सीधा घर ही जाएंगे हम, क्योंकि काफी ज्यादा थक गए हैं। ओके सो गाइस अभी जो है हम घर पर तो नहीं गए, काफी लेट हो गया था, तो अभी हम जो है अपने रेस्टोरेंट पर आ चुके हैं। काफी लेट हो गए, अंधेरा हो गया था तो हमने घर पे जाना कैंसिल कर दिया, फिर जो है अभी यहीं पर खाना वाना खा लेंगे, यहीं सो जाएंगे, फिर सुबह चले जाएंगे। तो जो है अब जो है रेगुलर व्लॉग्स आएंगे, मेरे एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं। और फिलहाल जो है इस व्लॉग में बस इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में।